चलिए आज हम आपको हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनके बारे में बताते हैं कि वो रेलवे लाइन के साथ साथ जो आज लाखों करोड़ों की आबादी जो हिंदुस्तान में रहती है वो अपना जीवन कैसे बसर करते हैं, कैसे वो रेलवे लाइन के दोनों तरफ उनके घर बने हुए हैं और उनके बच्चे कैसे खेलते हैं। ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी स्टोरी ऐसी वीडियो बनाकर दिखाते रहें जो कहीं आपने देखी नहीं होंगी, क्योंकि हमारा काम होता है आपको वो दिखाना जो कोई नहीं दिखाता। आप घर पर बैठे हैं, वीडियो ऑन करते हैं, इंटरनेट ऑन करते हैं तो देखते हैं क्या है ज़िंदगी में। तो ये जो आज ज़िंदगी हम दिखा रहे हैं ये है रेलवे लाइन के साथ साथ। वीडियो बना रहे हैं यार, थोड़ी देखो, चल तू खेल जाके। चलो अंकल जी, ना गूगल पे पायो हो ना, तुसी टिकटॉक पे पायो ना, इंस्टा पे ना, फेसबुक ठीक है नहीं पांदे ए मनांदे क्यों नहीं वैसे बना रहे, खेलते चंगे लगदे बच्चे। चल मैं पाना बैठा कि ते पायो ना, मेरा भरा देख लेगा ना। अच्छा अच्छा, खेलो खेलो खेलो, तू चलो, नहीं चलो हजारों किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन जो हमारी अंग्रेज़ों ने बचाई थी, शहर के बीचों बीच, गांव के बीचों बीच, पहाड़ों में, रेगिस्तान में, वो सब लाइन आज भी हैं जहां पर। लेकिन उनके साथ जो आबादी है, जो लोगों के घर बसे हुए हैं और कैसे लोग उसके साथ साथ रेलवे लाइन के पास अपने घर बनाकर रहते हैं, तो सोचा कि मेरे पास मोबाइल था तो सोचा कि कुछ वीडियो के शॉट ले लेता हूँ। तो बच्चे खेल रहे थे रेलवे लाइन पर, पत्थर रख कर उन पर निशाना लगा रहे थे, कुछ पास ही क्रिकेट खेल रहे थे और कुछ पास ही दुकान के पास पटाखे चला रहे थे। और इसके आसपास मैंने देखा कि ज़्यादातर लोग जो हैं काम कम करते हैं, रेलवे के लाइन के पास बैठ के रेल जब आती है जाती है उसको ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि जहाँ पर मेरा ख्याल है बहुत ही ज़्यादा फ्री लोग हैं। चारों तरफ देखिए जहाँ कितने लोग घूम रहे हैं, वो काम कम करते हैं मेरा ख्याल है। और जहाँ पर जो लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में 20 किलोमीटर के बाद जो
भाषा होती है, हम जो बोलते हैं वो बदल जाती है। और मेरा ख्याल है जहाँ पर 20 किलोमीटर के बाद लोगों का रहन सहन, खान पीन और कपड़े भी बदल जाते हैं, उनकी शक्ल भी और तरह की बन जाती है। तो देखिए ये रेलवे लाइन के साथ साथ जो लोग रहते हैं, ये लुधियाना शहर है भाई साहब, लेकिन लुधियाना शहर का वो हिस्सा है जहाँ पर कभी मुस्लिम लोग रहते थे, जहाँ पर ये इंजन सेट का एरिया है, लोको सेट भी बोलते हैं, लेकिन अब इसका नाम कुछ और पड़ चुका है। और इस लाइन के आसपास हजारों घर बने हुए हैं और वहाँ पर जो लोग रहते हैं, आप देख लीजिए जो गलियाँ हैं साथ साथ में 5 फुट से ज़्यादा नहीं हैं और काफ़ी लंबी गलियाँ हैं जहाँ पर इंजन सेट के पास। तो यहीं पर रेलवे लाइन के साथ सुबह से शाम तक लोग बैठे ताश खेलते हैं और उसके बाद रिलैक्स मूड में रहते हैं और कुछ सोचते रहते हैं ज़िंदगी के बारे में, और बच्चे भी यहाँ पास पास खेलते हैं। तो देखिए मैं बातें ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो में जो कुछ होता है आप खुद ही देख लेंगे और खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे। मैं तो ये कहता हूँ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अगर नहीं किया है तो कमेंट भी कर दीजिए, हमारे को थोड़ा सा पता चले कि लोग अब कुछ कुछ लिखने लगे हैं। और उसके बाद लाइक तो आपकी मर्ज़ी है, शेयर कर दीजिए ताकि जो लोग रेलवे लाइन के पास आपके रिश्तेदार या और लोग जिन्होंने कभी रेलवे लाइन के साथ रहने वाले लोगों को नहीं देखा वो भी देख लें। तो आज हम आपको यही दिखा रहे हैं इस वीडियो में कि लुधियाना शहर के इंजन सेट के पास, इंजन जो कॉलोनी होती है उसके आसपास जो लोग रहते हैं और लुधियाना शहर में जितनी भी रेलवे लाइन है उनके साथ साथ लोगों के घर बने हुए हैं, पॉश एरिया में अच्छे रेजिडेंस बने हुए हैं, लेकिन जो स्लम एरिया है उसमें थोड़े से जो घर बने हुए हैं हम आपको दिखाते हैं। जहाँ देखिए इस वीडियो में, और भाई आपको देखने के बाद पता चलेगा कि हमारे हिंदुस्तान में कितनी डेवलपमेंट हुई है और लोग जहाँ के कैसे हैं। मैं तो दिखाते रहता हूँ आपको, आप भी देख लीजिए भाई साहब। जहाँ किसी काम के लिए आया था तो मैंने सोचा चलो अब वीडियो शूट कर देते हैं और दिखा देते हैं कि जहाँ पर ये लोग कैसे कैसे रहते हैं। बराबर आलू।